राजधानी के वर्ल्ड ट्रेड पार्क के चारों ओर पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने घेराबंदी कर दी है, जिससे इलाके में हड़कंप पहुंच गया। दरअसल एनडीआरएफ समेत अन्य एजेंसियों ने यहां मॉक ड्रिल की है। अचानक कंट्रोल रूम से मिली सूचना पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर मेडिकल, आरएएफ और सीआईएसएफ की टीमें मौके पर पहुंची, जिसके बाद में सभी टीमों ने अपने संसाधनों की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों ने सभी टीमों को रिस्पांस टाइम भी जांचा, साथ में देरी से आई टीमों को सुधार करने के निर्देश दिए गए। सुबह 9 बजे आपदा प्रबंधन, हमारा एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, ये हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी द्वारा डब्ल्यूटीपी में एक मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। उसमें केमिकल वगैरह की आग जगह से लग जाती है और किस तरह हम रेस्क्यू करते हैं, हमने पूरे स्टाफ को भेज के और एएचएलपी गाड़ी जो वहाँ हमारी 42 मीटर वाली गाड़ी है उसे रेस्क्यू करवा रहे हैं और किस तरह से आग बुझाते हैं वो उनका डेमो कर रहे हैं वहाँ उसके लिए। क्योंकि बार बार ये लोकायुक्त द्वारा भी, हाईकोर्ट द्वारा भी, जन मतलब अवेयरनेस के तहत भी हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि पब्लिक में एक अवेयरनेस, जागरूकता पैदा हो कि आग किस प्रकार बुझाई जाती है, किस प्रकार हम आग को बुझा सकते हैं। फर्स्ट एड देने के लिए प्रथम दृष्टया देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।